आपको शाहबाद का किला के चारों तरफ की वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि इस किले के अंदर जो गेट आपको दिखाई दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। यहाँ का चौकीदार है वो उन गेटों के अंदर जाने नहीं देता, और यहाँ से आप जो वीडियो देखेंगे वो आपको क्लीन नज़र आएगी। और ये किला है जो नवाब के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पे रात में आने का कोई यानी आने नहीं दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सुना जाता है कि भूतों का छाया है, यहाँ पे चुड़ैलों का छाया है, इसीलिए यहाँ पे आत्माओं का निवास कर चुकी हैं। और ये किला एक रहस्य भरा किला है, जहाँ पे कि आपको ये खजाने से भरा हुआ किला है। यहाँ पे कि जो नवाब थे यहाँ के, उन्होंने इस किले के बारे में काफ़ी अच्छा यानी योगदान दिया है। जैसे कि यहाँ पे रहना, यहाँ के ये चौकीदार हैं, यही इसको डील करते हैं, यही इसको देखते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे जो गेट हैं और यहाँ की जो कलाएं हैं, डिजाइनिंग है, यहाँ के जो आने वाले विजिट करते हैं वो अपने अपनी अपनी कलाकारी दिखाते हैं यहाँ से। और ये किला है, यहाँ पे जो सुरंग जो नीचे आपको दिख रही है, ये नीचे नीचे सुरंग है, ये दूसरे किले के सुरंग है। जैसे कि आप ये सुरंग का ये देखेंगे, ये सुरंग है, आपको शाहबाद का किला के चारों तरफ की वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि इस किले के अंदर जो गेट आपको दिखाई दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। यहाँ का चौकीदार है वो उन गेटों के अंदर जाने नहीं देता, और यहाँ से आप जो वीडियो देखेंगे वो आपको क्लीन नज़र आएगी। और ये किला है जो नवाब के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पर रात में आने का कोई यानी आने नहीं दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सुना जाता है कि भूतों का छाया है, यहाँ पर चुड़ैलों का छाया है, इसीलिए यहाँ पे आत्माओं का निवास कर चुकी हैं। और ये किला एक रहस्य भरा किला है, जहाँ पे कि आपको ये खजाने से भरा हुआ किला है। यहाँ पे कि जो नवाब थे यहाँ के, उन्होंने इस किले के बारे में काफ़ी अच्छा यानी योगदान दिया है। जैसे कि यहाँ पे रहना, यहाँ के ये चौकीदार हैं, यही इसको डील करते हैं, यही इसको देखते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे जो गेट हैं और यहाँ की जो कलाएँ हैं, डिजाइनिंग है, यहाँ के जो आने वाले विजिट करते हैं वो अपने अपनी अपनी कलाकारी दिखाते हैं यहाँ से। और ये किला है, यहाँ पे जो सुरंग जो नीचे आपको दिख रही है, ये नीचे नीचे सुरंग है, ये दूसरे किले के सुरंग है। जैसे कि आप ये सुरंग का ये देखेंगे, ये सुरंग है, यहाँ से अंदर से जाने का रास्ता यही है। चलो मिलते हैं यहाँ के चौकीदार से। पूर्ण रूप से जर्जर कर दिया गया है। जैसे कि देखिए आप, बहुत ही पुरानी है और यहाँ की चौकीदार है, क्या आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? पुरानी है तो, जैसे कि कितना पुराना है ये? लगभग 1871 में। अच्छा, तो आप यहाँ के चौकीदार हैं, सिक्योरिटीदार हैं। तो जैसे कि जो अंदर ही जाने का बंद है क्या? हाँ, अंदर सांप इस कपड़े। अच्छा, कुछ आत्माओं का वास भी रहता है? अच्छा, 5 साल से ऊपर हो। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसके अंदर ये कुछ है इसके अंदर, या ऐसी खाली है? खाली है। और ये दूसरा है वो भी 3 पेड़ से। अच्छा अच्छा, जैसे जो किला है, या सुनने में आता है यहाँ पर कुछ खजाना भी है नवाब का। देखिए, जब कोई घर खाली करेगा जी जी जी, तो छोड़ के क्यों जाएगा? हाँ, ये सारा कुछ ले जा चुके हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पर तो ये तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पुराना किला है और पूरा जर्जर हो चुका है, तो आपको यहाँ पे डर नहीं लगता है? अपने से बहुत ऐसे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आर्मी से डर हूँ। अच्छा, आर्मी से बता रहे हैं? हाँ, तो अगर मैं डरूंगा ही तो बाकी जी जी जी। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा योगदान मिलता है। लेकिन आप दिन और रात यही सेवा करते हैं? हाँ, रहता हूँ वैसे रात के। अच्छा, रात के यहाँ पे और चुके हैं मेरा दिन। अच्छा अच्छा, वैसे जो अंदर ये सारे गेट हैं, ये आपके द्वारा बंद किए हुए हैं या सरकार के द्वारा बंद किए हुए हैं? अंदर जो खतरा देखा जी जी जी, तो इसलिए लोग। अच्छा, ये चमगादड़ बहुत ख़राब है। अच्छा, चमगादड़ हैं और जहरीले सांप होंगे यहाँ पे? हाँ जी, बहुत ही बेस कपड़े सांप। अच्छा, जहाँ पे जो सुरंग है ये पूर्ण रूप से बंद क्यों कर दी गई है? इसमें भी ऐसी खतरा, इसमें भी सांप चमगादड़ रहती है। ये सुरंग कितना बड़ा है लगभग? इस बिल्डिंग से इस किले से इस किले के लिए। यहाँ से नवाब साहब अंदर अंदर जाते थे या? वो भी रानियाँ भी जाती थी उनकी। चलो, आपसे जानकारी।
अच्छा को बता रहा हूँ, ये आपने सुना की बात है? हाँ, ये तो काफ़ी पुरानी बात है, आपसे भी पुरानी है, अपने बुजुर्गों से सुना है। जी। चलो, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली बताने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। चलो मैं Thank you.